उत्तराखंड पंचायत राज लोकसभा की प्राइड संस्था के द्वारा आयोजित पंचायत राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का सशक्तिकरण कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे लोकसभा के राज्य विधानसभा के अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद जी अग्रवाल साहब, पंचायत राज शिक्षा खेलकूद मंत्रालय के मंत्री श्री अरविंद पांडे जी, पूर्व मंत्री हमारे लोकसभा में माननीय सदस्य श्री अजय टमटा जी, पंचायत राज से लोकसभा तक पहुंचे हमारे सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शोभा साजवान जी और हमारे लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, जिला पंचायत के चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन, क्षेत्रीय पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति के सभी प्रतिनिधिगण, उत्तराखंड की यह धरती जो पुण्य भूमि है, तपोभूमि है, देवभूमि है और सदियों से तपस्वियों ऋषियों ने मनुष्यों ने यहां पर तप किया। ये धरती बद्रीनाथ केदारनाथ हमारी आस्था की धरती है। व्यक्ति के अंतिम पड़ाव के समय जब अंतिम उसकी इच्छा होती है कि मैं चार धाम की यात्रा करूं, इसलिए इस धरती का अपने आप में बहुत पुण्य है और विशेष रूप से जब भी मैं यहां पर आता हूं मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता है और इसलिए मैंने मेरे कार्यकाल का हर कार्यक्रम इस देवभूमि से शुरू किया। पहला कार्यक्रम हमने पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन की शुरुआत की तो देवभूमि से शुरू की। आज देश के अंदर पंचायत राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण शासन के माध्यम से किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं, आज हम इस बात की चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं और जवाबदेही बना सकते हैं, ताकि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सके। हमारा लोकतंत्र सदियों पुराना है और विशेष रूप से हमारे लोकतंत्र की शुरुआत गांव से होती है। गांव के अंदर ग्राम समिति के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं रही है। गांव में पंचायत बैठती थी,
पंचायत बैठ के जो निर्णय करते थे, फैसले करते थे, उसको सब गांव के लोग मानते थे। और इसीलिए कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र वैदिक काल में सबसे पुराना लोकतंत्र है और सारे विश्व को लोकतंत्र की दिशा देने का काम किया है तो भारत ने किया है। और इसीलिए हमारी लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत भी है, सशक्त भी है। कई उदाहरण के रूप में भी हम कह सकते हैं कि वैदिक काल के हमारे आज भी कई पुरातत्व हमारी परंपरा संपदा है, जहां पर 10वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक ग्राम पंचायत के आज भी हम वहां पर उसी रीति नीति से लोकतंत्र को चलाते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरामेकर गांव में, जहां चोल साम्राज्य 10वीं शताब्दी में आज भी वहां के पत्थर में तमिल भाषा के अंदर पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। कैसे हर गांव को उन्होंने कुटुंब के रूप में विभाजित किया, हर कुटुंब से एक एक प्रतिनिधि आता था और वह कुटुंब के प्रतिनिधि मिलकर वहां पर निर्णय करते थे, फैसले करते थे। और यही हमारी वैदिक परंपरा आज भी रही है। ये बात सही है कि हम 1947 में आजाद हुए और उसके बाद हमारे लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन आजादी के बाद से अभी तक दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, कुछ हमारे से पहले आजाद हुए, कुछ हमारे से बाद में आजाद हुए, लेकिन आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है, सशक्त भी है। और इसको लगातार हमने और सशक्त मजबूत करने का प्रयास किया है। इसमें विशेष रूप से हमारे संविधान निर्माताओं और मनुष्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया और यह संविधान हमारा मार्गदर्शन के रूप में आज भी हमें मार्गदर्शित करता है। और इसी संविधान में जो मूल भावना थी, वो मूल भावना लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। जनता को मध्य में रखकर हमारी शासन व्यवस्था रहे, ये इस संविधान की मूल अवधारणा थी। और आज हमने इस मूल अवधारणा को बढ़ाया है कि किस तरीके से 17 लोकसभा के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हम आजादी के बाद हुए, लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, भरोसा बढ़ा। 17 आम चुनाव के अंदर लगातार लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़ा, इससे लोकतंत्र के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़ा। और 17 आम चुनाव के अंदर 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यह हमारे लोकतंत्र की विशेष रूप से विशेषता है। और इसीलिए हमने कोशिश की, प्रयास किया कि हमारा लोकतंत्र पंचायत से लेकर संसद तक मजबूत हो। और इसके लिए पंचायत राज व्यवस्था के अंदर भी संवैधानिक प्रावधानों को किया हमने, ताकि हर पंचायत राज व्यवस्था के अंदर चुनी सरकार को, गांव की चुनी सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले।
और 73वें संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला पंचायतों को और सशक्त और अधिकार देने का काम किया और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारा लोकतंत्र सशक्त मजबूत होता चला आया है। उसमें विशेष रूप से उस गांव में रहने वाले उस ग्राम पंचायत के व्यक्ति की विशेष रूप से भूमिका है, क्योंकि हमने हमारी बेसिक रूप से हमने हमारी ये कोशिश रही कि हमारी गांव की व्यवस्था, शासन व्यवस्था ऐसा होनी चाहिए जिसमें विशेष रूप से लोकतंत्र प्रचलित होता हो। और महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव की शासन व्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सशक्त मजबूत होगा, मजबूत होगा। और इसको देखते हुए लगातार सरकारों ने कई संविधान में संशोधन किए। उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष रूप से व्यापक प्रयास किए कि 50% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण देकर एक नया कीर्तिमान बनाया कि हम किस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, किस तरीके से महिलाओं के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से वह सरकार, गांव की सरकार को संचालित करे। इसके लिए उत्तराखंड की सरकार ने व्यापक प्रयास किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। संशोधन तो 50% किए लेकिन जनप्रतिनिधि 50% से ज्यादा ग्राम प्रधान में, क्षेत्रीय पंचायत में, जिला पंचायत में, इससे लगता है कि यहां की महिलाओं में लोकतंत्र के प्रति सजगता है, जागरूकता है और देश और राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज है जहां का जवान देश की सीमाओं पर रक्षा करता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हम एक लंबी हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है, उत्तराखंड के दूर दराज गांव में पहाड़ों पर रहकर किस तरीके से मेहनत के आधार पर, शारीरिक शक्ति के आधार पर इस उत्तराखंड राज्य ने प्रगति की है। और आज भी देश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर जवान है तो इस तपोभूमि उत्तराखंड से है जो हमारी देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए यहां पर विकास की अवधारणा बनाना ये एक बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं पंचायत राज प्रतिनिधियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं जिन्होंने विशेष रूप से बहुत दूर दूर इलाके के अंदर छोटे छोटे गांव, ढानियां बसी हुई है, पहाड़ों पर बसे हुए हैं। मुझे अब हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया, जो आपके चीफ सेक्रेटरी थे, कि यहां एक ग्राम पंचायत का कई इलाका 15 किलोमीटर तक का भी है। इतनी दूर दूर बसावट के बाद भी आपने ग्राम पंचायत के माध्यम से इन गांवों का विकास हो, इसके लिए आपने व्यापक कार्य योजना बनाई। और मैं उत्तराखंड सरकार को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विशेष रूप से, चाहे शिक्षा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, सबके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया।
और मैं विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने देश में प्रयास किया कि पंचायत से लेकर देश के हर गांव ढाणी तक जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, जो गांव पिछड़े हैं, अभाव में है, जो जिले विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, संपूर्ण सारे देश का विकास एक साथ हो, तो ऐसे राज्य जहां पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिनके लिए विकास की व्यापक कार्य योजना बनानी है, इसके लिए नीति आयोग को उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया और उस दिशा निर्देश में विशेष रूप से ध्यान रखा कि जो जिला पिछड़ा है उन जिलों को कैसे आगे ले लिया जाए, आकांक्षा जिलों के माध्यम से उसमें व्यापक कार्य योजना चलाएंगे और उसी के साथ साथ हर व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा हस्तांतरण हो, योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिले, इसके लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। इसलिए तकनीकी का उपयोग करके जहां मानवीय काम कम हो तकनीकी का ज्यादा उपयोग हो ताकि लाभार्थी को सीधा लाभ मिल सके, इसके लिए भी भारत सरकार ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने काम किया, उसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम यहां पर इसलिए चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कैसे हमारी ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत हो, कैसी हमारी क्षेत्रीय पंचायतों को, जिला पंचायतों को, जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्थाएं हैं, उनको किस तरीके से सशक्त करो, मजबूत करें, जनता के प्रति जवाबदेही बनाएं, क्योंकि जनता ने जिस अपेक्षा आकांक्षा में चुनकर भेजा है, और सबसे ज्यादा अगर निकट में कोई जनप्रति रहता है तो पंचायत राज का जनप्रति रहता है, जिससे जनता का सीधा संवाद रहता है, चर्चा रहती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो मुझे लगता है कि उस ग्राम प्रधान की होती है जो नित्य प्रतिदिन जनता से कनेक्ट रहता है या क्षेत्रीय पंचायत से। और इन संस्थाओं को हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं, जनता के प्रति जवाबदेही से चलाएं, तो एक व्यापक परिणाम ला सकते हैं। और मेरा मानना है इसके लिए लोकसभा एक व्यापक प्रयास कर रहा है, क्योंकि लोकसभा देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करें, सशक्त करें, जवाबदेही दें, पारदर्शिता बनाए, लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। इसलिए सबसे शीर्ष संस्था होने के नाते हम हमारी संस्थाओं को तो मजबूत करने के लिए लगातार चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने देवभूमि में चर्चा की, उसके बाद गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया, वहां हमने चर्चा की, संवाद किया, साझा अनुभवों को साझा किया, जो जो नवाचार अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में किए उनके अनुभवों को साझा किया। लेकिन अगर हमने देश की ग्राम पंचायत को, पंचायत राज को अगर सशक्त मजबूत नहीं किया तो देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और इसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्या सिस्टम डेवलप करें कि हमारी संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेही हो सके। हमारी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का सबसे बड़ा महत्व होता है, और यह महत्व अभी आजादी के बाद नहीं,
मैंने कई उदाहरण दिए आपको कि ग्राम सभा हमारी सबसे वैदिक काल से सबसे लोकतंत्र की मजबूत सशक्त ताकत रही है। और इसलिए पहले गांव में बैठते थे, गांव के लोग मुखिया बैठते थे, पूरा गांव बैठता था, चर्चा करता था, संवाद करता था, सहमति असहमति भी होती थी, संवाद भी होता था। लेकिन जब निर्णय होने के बाद सामूहिक निर्णय हो जाता था तो बिना शासन व्यवस्था के संपूर्ण गांव उस निर्णय को मानता था। आज इसी तरीके से हमारी ग्राम पंचायत के अंदर भी जब हम नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए, विकास की योजना बनाए, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम 4 ग्राम सभाएं आयोजित करें, सभी गांव के लोगों को पर्याप्त समय दें, पर्याप्त सूचना दें, गांव के लोग इकट्ठे हों, और जब गांव सभा के अंदर बैठकर हमें उसमें चर्चा करें कि कौन सा गांव पिछड़ा है, किस क्षेत्र में पिछड़ा है, और जब ग्राम सभा निर्णय करे जिसमें स्कूल का प्रधानाचार्य भी हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के NM डॉक्टर या जो भी वहां पर वह भी हो, जो जो वहां पर कार्यपालिका के रूप में उस गांव में काम कर रहे हैं, वह सब भी उस गांव के साथ बैठे, क्षेत्रीय पंचायत का अधिकारी भी हो, जिला पंचायत का अधिकारी भी हो, और सब गांव बैठकर एक प्लान बनाए कि हमें 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में हमें हमारे गांव का विकास कैसे करना है, किस तरीके से हम गांव के विकास की योजना बनाकर हमारे गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम पैसों का विकेंद्रीकरण, पैसों का नियोजन, ये गांव की सरकार अगर ठीक से कर ले तो केंद्र और राज्य सरकार का इतना धन आता है, हम गांव को आदर्श गांव बनाकर एक विकसित गांव की कल्पना को पूरा कर सकते हैं। अभी ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने कि ग्राम सभा में इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि हम किस तरीके से स्थानीय उत्पादकों को वैल्यू एडिशन कर और उसको एक अच्छा मार्केट में उन वस्तुओं को बेच सके। हम जानते हैं कि हमारे गांव में क्या क्या चीजें उपयोगी हैं, क्योंकि उत्तराखंड की धरती एक ऐसी धरती है जहां पर तमाम कृषि के वो उत्पाद जो दुनिया में कहीं पैदा नहीं होते वो इस देवभूमि के अंदर पैदा होते। यहां की महिलाएं हो, यहां का नौजवान हो, हर व्यक्ति यहां का इतना मेहनती है कि छोटी छोटी खेती के अंदर, पहाड़ियों के अंदर भी अपना कृषि उत्पादन करके 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर लेता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन कृषि उत्पादकों को देवभूमि पे उत्पादन, कृषि उत्पादन दुनिया के लिए मार्केट बने। मैं पिछली बार जब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आया था तो एक प्रदर्शनी में मैंने देखा किस तरीके से यहां के गांव के उत्पादकों को बेहतरीन पैकिंग करके और एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा, ताकि हम गांव के अंदर ही रोजगारों का सृजन करने का काम करने लगे, क्योंकि धीरे धीरे गांव से शहर की ओर पलायन बढ़ रहा है, यह हमारे चिंता का विषय है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा, हर गांव के अंदर हम रोजगार के अवसर पैदा करें, सृजन करें। मैं पिछली बार आज से 20 साल पहले जब मैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ के रास्ते में जा रहा था तो एक छोटे से गांव में एक अंग्रेज महिला थी, वो अंग्रेज महिला
वहां के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी। मुझे लगा कि दुनिया भर के लोग जब देवभूमि के आकर यहां की प्राकृतिक सौंदर्यकरण को देखेंगे, शायद दुनिया के अंदर ऐसा स्थान कहीं नहीं हो सकता। तो हम रूरल टूरिज्म को, मैं भी मालदीव गया तो मालदीव में कुछ नहीं है, मालदीव समुद्री समुद्र है, समुद्र के अंदर टूरिज्म है। उस मालदीव के अंदर छोटे छोटे टापू के अंदर लोगों ने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं और बाहर दुनिया भर के लोग वहां पर आते हैं, कोई एक महीना, कोई दो महीना का, तीन महीने, छह महीने वहां रहते हैं। तो एक रूरल ग्रामीण टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन को भी हम अगर डेवलप करने का काम करें तो शायद इस देश और दुनिया में उत्तराखंड से बड़ी धरती कोई नहीं हो सकती। ये हमारी कार्य योजना का ग्राम पंचायत में चर्चा का हिस्सा होना चाहिए। इसी तरीके से संपूर्ण योजनाएं जनमत के आधार पर बने। मैं देखता हूं कि ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा में लोगों की रुचि नहीं होती, लेकिन जब लोगों को लगना लगे कि ग्राम सभा में हमारे कहने से फैसले होंगे, निर्णय होंगे, तो लोग ग्राम सभा में आने लगे। तो ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है और लोकतंत्र को सबसे मजबूत करना है तो ग्राम सभाएं हमें आयोजित करती रहनी पड़ेगी और जनता का जनादेश लेकर अपनी योजनाओं को ठीक से बनाने का काम हमें करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत मैं भी कई बार गया हूं उसमें, लेकिन उसमें जो सदन है वो सदन ठीक से संचालित हो, क्योंकि वह चुनाव सदन है, आप लोग चुनकर भेजते हैं क्षेत्रीय पंचायत के सदस्य के रूप में, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में, उसमें जो चुनकर लोग आते हैं वह अपनी जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत में रखें, उसको भी हम एक सिस्टम डेवलप करने का काम करें कि पहले एक घंटे हम उसके अंदर प्रश्न अवर रखें कि क्षेत्रीय पंचायत के जो सदस्य हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रश्न भेजें, उसमें से जितना समय उसके हिसाब से वहां पर लॉटरी निकले और लॉटरी निकालने के बाद जिसका प्रश्न है उसका जवाबदेही के रूप में कार्यपालिका उसकी जवाब दे कि उस समस्या का क्या समाधान निकले। तो मुझे लगता है कि एक जवाबदेही कार्यपालिका बनाने की भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि कार्यपालिका का काम है कि चुनी सरकारों के निर्णय और फैसलों को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना, और इसके लिए जब तक आप कार्यपालिका को जवाबदेही नहीं बनाओगे, जब तक इन संस्थाओं को मजबूत नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर एक घंटा हमारी कोशिश हो कि हम जो बड़ी समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय पंचायत में पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी, जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो, और फिर एक घंटा जो अपना विषय अन्य विषय हैं उन अन्य विषयों पर चर्चा हो। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत का सदन एक तरीके से जैसे उच्च सदन चलते हैं उस तरीके से उच्च सदन की तरह चले, जो आपके प्रश्न सदन में नहीं आए उनके लिखित में जवाब अधिकारी दें, ताकि आपने जो समस्याएं उठाई है, जो जनता की बात वहां पर उठाई है, उस जनता की किन आकांक्षाओं को पूरा हुआ नहीं हुआ आप गांव में जाकर बता सकें। इसलिए हमें इन सदनों के माध्यम से हमारी कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को हमें जवाबदेही बनाना पड़ेगा, तभी हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। और इसीलिए
आज हमारे बीच में सभी क्षेत्रीय पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं, ये बैठकर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे, विचारों को साझा करेंगे और एक निर्णय करेंगे कि किस तरीके से इन संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाया जाए। मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में यही विशेषता है कि हमारा विचार विमर्श, हमारे अनुभवों को साझा, हमारे नवाचार, जिस पंचायत ने कोई नवाचार किया हो, क्षेत्रीय पंचायत ने नवाचार किया हो, जिला पंचायत ने नवाचार किया हो, उसके अनुभव साझा करें। हम जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन करते हैं तो कई पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी विधानसभा में या विधान परिषद में अच्छा काम करते हैं, नई तकनीकी का काम करते हैं तो उनके अनुभवों को साझा करते हैं, उनके नवाचारों को साझा करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन नवाचारों को लागू करें। जैसे पिछली बार हमने निर्णय किया था कि विधानसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक को पुरस्कार मिलना चाहिए, अब सब राज्य विधानसभाओं ने अपने अपने यहां पर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार देने का काम शुरू किया है। ऐसे ही आपके क्षेत्रीय पंचायत में होना चाहिए, जिला पंचायत में होना चाहिए, पंचायत ग्राम सरपंच होना चाहिए कि जो सदन के अंदर अच्छा काम करता है उसको हर वर्ष आप सम्मानित करें ताकि उनके अच्छे कार्यों से हम भी प्रेरित हों और हम भी सदन में अच्छा काम करें। जो ग्राम पंचायत अच्छे नवाचार करते हैं उनको अनुभवों को साझा करते हैं ताकि और ग्राम पंचायत भी उन नवाचारों को लागू करें। हमें इस तरीके के प्रयास करने की आवश्यकता है और इसलिए लोकसभा ने विचार किया कि जितनी भी चुनी संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्रीय पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, इन तमाम चुनी हुई संस्थाएं जिन जनता से डायरेक्ट चुनकर आती है, उन चुनी हुई संस्थाओं को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, जवाबदेह बनाएंगे और किस तरीके से ये संस्था काम करे, उनके आपस में अनुभवों को साझा कर। आज जब आपकी एक दिवसीय सम्मेलन होगा उसमें जो आपके विचार विमर्श होंगे उसके आधार पर हम अन्य राज्यों के अंदर आपके अनुभव विचारों का एसओपी तैयार करेंगे और जो और राज्यों से भी चर्चा कर और सभी देश के अंदर उन नवाचारों को उन एसओपी के माध्यम से हमारी संस्थाएं संचालित हो, ऐसा काम करेंगे। मैं पुनः विशेष रूप से यहां के राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, पंचायत राज मंत्री जी को भी जिन्होंने शुरुआत की, क्योंकि हमारी यहां की बॉडी विधानसभा होती है, इसलिए मैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद दूंगा जो आपके यहां पर चीफ सेक्रेटरी रहे, हमारे लोकसभा के अभी महासचिव हैं, उन्होंने बहुत इस कार्यक्रम के प्रति रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देवभूमि से शुरू होना चाहिए और लगातार एक महीने उन्होंने इस सारे कार्यक्रमों का रिसर्च किया है। आज जो आपके अनुभव विचार साझा होंगे, हमारे कई श्रीमती सरोज पांडे जो हमारी सांसद हैं वह भी यहां पर आई हुई हैं, वह भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है, वहां की नगर निगम कारपोरेशन की चेयरमैन रही है, अजय जी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, रामप्रीत मंडल जी भी हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी ग्राम पंचायत से लेकर अब सदन की तक की कार्रवाइयों को देखा है। यह अनुभव अपना ठीक से साझा करेंगे कि ग्राम पंचायत और संसद की कार्रवाई को हम किस तरीके से संचालित करें और किस तरीके से बनाएं। हम सबका एक ही मकसद है, हम चुने लोग जिन्होंने जनता को हम को चुनकर भेजा है, हम
इन लोकतंत्रीय संस्थाओं को तो मजबूत बनाएंगे सही, लेकिन एक जन प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब दे रहे और जिस अपेक्षा आकांक्षा और विश्वास के साथ उसने चुनकर भेजा है उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी करें और लोकतंत्र के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, आत्मनिर्भर भारत बने, सशक्त मजबूत भारत बने, आर्थिक रूप से मजबूत भारत बने और हमारे नौजवानों का जो बौद्धिक क्षमता है उस बौद्धिक क्षमता का उपयोग हम देश में कर सकें, दुनिया के अंदर भी हमारा नौजवान नेतृत्व कर सके, इसके लिए ये संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही है। मैं पुनः आप सब यहां पर बड़ी संख्या में पधारे आप सबका लोकसभा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आपके अनुभव विचारों नवाचारों का हम सबको लाभ मिलेगा और हम देश के अंदर चुनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत जवाबदेही बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।